आज हम बना रहे हैं पैटीज। उसके लिए पहले भुर्ता बना लेते हैं। भुर्ता बनाने के लिए आलू, प्याज, मिर्ची, करिया पाक, हल्दी, नमक, राई और तेल, इतनी चीज़ों को यूज़ होगा। पहले भुर्ता बना लेते हैं गाइस। पहले भुर्ता बना रहे हैं। भुर्ता बनाने के लिए एक फ्राई पैन मैंने रख लिया, उसके अंदर में ऑयल डाल लेते हैं। दो चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म होने देते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम राई डाल देते हैं। हमारा राई हो चुका है, अब इसके अंदर में प्याज, हरी मिर्च, ये डाल देते हैं। हमारी प्याज होते आ गई है, हमारी प्याज हो गई है। अब इसके अंदर हल्दी और नमक ऐड कर देते हैं। हमारी प्याज हो गई है, हमें एकदम लाल नहीं करने। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू को। देखिए हमारा भुर्ता तैयार हो गया है, कितना डिलीशियस दिख रहा है। अब गैस बंद करके इसको उतार लेते हैं और सैंडविच की तैयारी करते हैं। देखिए गैस कितना टेस्टी दिख रहा है। अब सैंडविच बना लेते हैं। सैंडविच के लिए हमें चाहिए ब्रेड, टमाटो सॉस, हमने जो बनाए हैं आलू का भुर्ता। अब हम सैंडविच को प्रिपेयर करते हैं। सैंडविच ले लेते हैं, इसके अंदर टमाटो सॉस अच्छे तरीके से लगा देते हैं पूरे इस पर। टमाटो सॉस लगाने से एक अलग ही मज़ा आ जाता है सैंडविच के अंदर में। ये अच्छे तरीके से टमाटो सॉस लग गया। भुर्ता ले लेते हैं, अच्छी तरीके से भुर्ते को पूरे ब्रेड के ऊपर में स्प्रेड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ना लगाए क्योंकि भुर्ता कम ही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेकेंड ब्रेड ले लेते हैं, इसके ऊपर में भी अच्छी तरीके से टमाटो सॉस लगा देते हैं। अब ये दोनों ब्रेड को एक साथ मर्ज कर देते हैं। कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई अच्छी गर्म हो गई। अब इसमें हम ब्रेड तलने के लिए तेल डाल देते हैं। हमने बेसन पहले से भिगा लिया है, इसके अंदर में एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच अदरक लहसुन, चार चम्मच बेसन, पानी और खाने का सोडा डाल के इसको अच्छा पतला घोल बना लिए है सैंडविच को तलने के लिए। इस क्वांटिटी में इसको तलने का है अपने को, इतना पतला होना चाहिए। गाइस ब्रेड को अब इसके अंदर में अपन डिप कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और ये अच्छे तरीके से डिप हो जाता है तो अब हम इसे कढ़ाई के अंदर में फ्राई कर लेते हैं। अब इसे हम निकाल लेते ही हो गया। इस बनाने के लिए पैटीज को हमने काट लेना है। दही, सेव, मिर्ची का टेसा और इमली की चटनी, ये चीज़ें लगेंगी पैटीज बनाने। इस पैटीज के ऊपर दही डालना है। उसके बाद मिर्ची का जो हमने टेसा बनाया है वो टेसा डालना है। इमली की चटनी और लास्ट में थोड़ी सी सेव। गाइस हमारी पैटीज तैयार हो गई है।